जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो आर्मी की तैयारी करने वाले भाई लोग हैं वो लोग खास करके वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों कल मैं शाम को एक बार लाइव आया था, 4 या 4:30 बजे इसके बीच में आया था लाइव में, और वीडियो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे हम, और मैंने उस वीडियो को अपलोड भी किया था पर गलती से वो वीडियो डिलीट हो गया। उसके बाद मैं फिर रात को 8 या 8:30 बजे मैं फिर से लाइव आया था, उसमें भी अचानक से नेट चला गया था, लाइव के बीच में नेट चला गया था, फिर लाइव नहीं आ पाया मैं, रात को नेट नहीं आया और फिर मैं लाइव में भी नहीं आ पाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे हम। तो बात यह कि दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जैसे कि मैंने बोला था कि इंडियन आर्मी जो भर्ती है इसके लिए हम लोगों को 1 साल का छूट देना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था। इसलिए देना चाहिए कि 2020 और 21 के बीच में जो हम लोगों का भर्ती नहीं हुआ है ना, काफी सारी जगह में भर्ती नहीं हुआ, काफी सारा जगह में भर्ती होने वाला था लेकिन पोस्टपोन हो गया, किस लिए हुआ, कोरोना की वजह से हुआ है। इसीलिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैं ये बोला था कि हम लोगों को 1 साल के लिए छूट देना चाहिए। तो प्लीज कोई मुझे कमेंट में बताइए कि कैसे क्या करना है, कहाँ तक आवाज पहुंचाना चाहिए, कहाँ तक आवाज पहुंचाने से हमारा ये काम होगा, क्या करना चाहिए। मैंने कुछ आइडिया बोला था तो काफी सारे लोगों ने मुझे आइडिया दिया, और काफी सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कमेंट में कि भाई आप रॉयल सोल्जर सर जो संदीप सर है आप उनसे बात करिए, अगर संदीप सर अगर आवाज उठाएंगे कुछ करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है, आप उनसे बात करिए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये बात मैं भी मानता हूँ, अगर संदीप सर रॉयल सोल्जर सर अगर आवाज उठाएंगे तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों मैंने संदीप सर को, रॉयल सोल्जर सर जो है, मैंने उनको 2-3 दिन पहले मैंने एक मैसेज डाला था, उन्होंने अभी तक मेरा मैसेज सीन नहीं किया, और मैं जानता हूँ कि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते इंस्टाग्राम पर, इसीलिए मेरा मैसेज सीन नहीं किया, और ऐसे ही उनके पास काफी सारा मैसेज भी आता रहता है तो उसकी वजह से शायद हो सकता है मेरा मैसेज सीन नहीं किया, पर जैसे रिप्लाई आएगा मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे तरफ सर, आप सभी की तरफ से मैं सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सर हमारे लिए कुछ करिए, हमारे लिए आवाज उठाइए, कम से कम 1 साल का छूट देना चाहिए, और इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि हम लोग का भर्ती नहीं आया है, 2020 में भी नहीं आया, 2021 में भी काफी सारा जगह में होने वाला था पर नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया है। तो इसके लिए आवाज उठाइए, जो हम लोग का नुकसान हुआ है, जो जिससे बहुत सारे भाई लोगों का लास्ट स्टेज था वो तैयारी कर रहा था और अचानक से सुना है भर्ती कैंसिल हो गया, तो उनके लिए कम से कम 1 साल का छूट देना चाहिए, तो आप लोग प्लीज कुछ करें। हाँ और एक सर भी है, अगर वो भी मिलकर आवाज उठाएंगे तो शायद बहुत कुछ हो सकता है, उनका नाम है रविंद्र सर, जो अगर रविंद्र सर और संदीप सर अगर एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे शायद बहुत कुछ हो सकता है। इस वीडियो में मैं दोनों सर को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आवाज उठाइए जरूर इस बात के लिए कि कोई नहीं उठाएगा हम लोगों के लिए, बस आप लोग ऊपर भरोसा है, आप लोग कुछ करिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जहां तक पहुंचना चाहिए वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, और संदीप सर और रविंद्र सर के पास भी पहुंचा दीजिए, लिंक को शेयर करिएगा। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता, कभी आप लोगों को मैंने जबरदस्ती नहीं किया, मेरा हर वीडियो देख लेना कि मेरा इस वीडियो को शेयर करो, ऐसा करो वैसा करो, मैं बोलता हूँ आपका मन है तो करिए, लेकिन इस वीडियो में मैं मांग रहा हूँ आपको लोगों को, एक शेयर मांग रहा हूँ, इसीलिए मांग रहा हूँ कि ये आवाज जहाँ तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचा दीजिए, और खास करके रॉयल सोल्जर सर संदीप सर जो है और रविंद्र सर के पास भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ कि काफी सारा मेरे पास मैसेज भी आ रखा है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब में कॉमेंट आ रहा है कि हम लोग का भर्ती होने वाला था और लास्ट स्टेज था, अचानक से भर्ती कैंसिल हो गया, क्या करें, ऐसा ऐसा बहुत सारे मैसेज, इसीलिए मैं सबका ये सब देख के मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो लोग सोचेंगे यार मैं पागल हूँ, पागल की तरह बोक रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है और मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, तो मुझे पागल ही कहके बुलाएंगे ना इस बात के लिए, इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग भी आवाज उठाना पड़ेगा, अगर मैं अकेला करूंगा तो कुछ नहीं होगा, आप लोग भी साथ देना चाहिए। तो कितने लोग साथ देना चाहते हो उसमें कमेंट में भी जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चलेगा यार नहीं मेरे साथ में काफी सारे लोग हैं। इस वीडियो में एक एक शेयर मांग रहा हूँ, और आप लोग शेयर करिए, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचा दीजिए, आप लोगों का काम है। आजकल मेरा वीडियोस थोड़ा कम आएगा और मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि घर में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ काम के लिए, बाहर तो नहीं जा पा रहा हूँ काम के लिए, अभी फिलहाल घर में काम चल रहा है, खेती बाड़ी में काम चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है घर में, इसलिए मैं ज्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, और शायद इतना भी वीडियो नहीं आ पाएगा पहले जैसा। तो आप लोग बस तैयारी करो, मेहनत करो यार, ऊपर वाले सब कुछ देखते हैं, और हम दिल से दुआ करते हैं कि सबका सिलेक्शन हो जाए। हाँ और एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोग जो मुझे इतना सारा प्यार देते हो वीडियो में, हर एक वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सा चैनल है, और आप लोग इतना सारा मुझे सपोर्ट, इतना सारा प्यार देते हो, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया। और मैं अपनी मम्मी को बोला था आप सबके बारे में कि मुझे इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, प्यार करते हैं, और उनको मैंने कहा था, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश है और बोला कि यार मैं भी दुआ करूंगा इन बच्चों को सबका सिलेक्शन हो जाए, जिनका जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो मेरी माँ के लिए भी दुआ में याद रखना, बस इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करिए, और अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।